जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं रोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज का जो मॉडल पेपर है वो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए, कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम कैसा आता है और कैसे उसमें प्रश्न आते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सर इसका PYQ नहीं मिल रहा है, तो ये बात सही है क्योंकि इसका PYQ नहीं मिलेगा। पेपर सारे जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो पेपर को जमा करवा लिया जाता है, तो इसलिए PYQ नहीं मिलेगा। पर लेकिन जो लोग पेपर देकर आते हैं उन सारे लोगों से हमने कंसल्ट करने के बाद में क्वेश्चन पेपर को तैयार किया है बिल्कुल लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए। बाकी सारी यूनिवर्सिटी वाले भी देख सकते हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं। तो पहले ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि किसने संस्कृति के 4 अध्याय लिखा है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर के बारे में है। तो ये कवियों की कवि रचना भी पढ़ लेना है आपको, कवि और रचना। ये प्रश्न इस प्रकार पूछे जा सकते हैं आपसे। तो इसमें टोटल जो प्रश्न हैं, पहले हम वो लोग देख लेते हैं कितने क्वेश्चन दिए हैं इसमें अंदर। इसके अंदर जो टोटल क्वेश्चन है 100 हैं, तो 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसमें आपका रीजनिंग, मैथ्स, GS, हिंदी या इंग्लिश होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इसको पूरा सॉल्व करवाना है एक एक क्वेश्चन को, तो आप लोग कमेंट कर देंगे तो मैं इसे सॉल्व करवा दूंगा। और आज के जो लेक्चर है उसमें आज हम लोग कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं जो कि रीजनिंग के हैं, रीजनिंग की काफ़ी डिमांड आप लोगों की, रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, आपसे पूछा जा रहा है 4, 5, 7, 10, 11, 13 और 16। तो अगली स्टेप क्या हो सकती है आप लोग बताएंगे। तो अगर देखेंगे तो ये है, देखो पहले में एक जोड़ा है, अगर इस तरीके से चलेंगे तो दूसरे में 2 जोड़ा है, तीसरे में 3 जोड़ा है और चौथे में फिर 1 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है और फिर 3 जोड़ा है, तो अब की बार फिर 1 जुड़ेगा, यही हुआ ना। तो 3 के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा 70, ठीक है। अगर दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित श्रृंखला में गुम अंक क्या है, यानी कि जो अंक पर यहाँ प्रश्न क्रमांक लगा है वहाँ पर क्या अंक आएगा। तो 5, 5, 1, 6, 7, 13, अब देखिए 5, 1 के बाद 6 आ रहा है, तो 5 और 1, 6, तो 7 और 13 कितना हुआ 20। विद्यालय का वही संबंध है जिस अस्पताल से रोगी का है। तो देखो विद्यालय में, अगर यहाँ पर देखो अस्पताल में रोगी दिया है, तो मतलब कि वहाँ पर जो उपचार कराने आते हैं, जो व्यक्ति आते हैं जिसकी नीड होती है, वो कौन होते हैं। कुछ लोग कहेंगे शिक्षक हो सकता था, शिक्षक तब होता अगर यहाँ अस्पताल के साथ में यहाँ पर डॉक्टर दिया होता, ठीक है। तो इसका सही उत्तर, विद्यालय में कौन आते हैं, विद्यार्थी, तो यहाँ पर विद्यार्थी। कोयला में ताप होता है, तो मोम में क्या होता है, प्रकाश होता है, क्योंकि देखो मोमबत्ती जलाने से हम लोगों को क्या मिलती है, उजाला मिलता है, ठीक है। और जब कोयला जलाकर हम बैठते हैं सर्दियों में, तो हमें उससे ताप यानी कि हीट मिलती है, तो इसका सही उत्तर प्रकाश है। इनमें से कौन भिन्न है, यानी सबसे अलग कौन है, तो देखिए गेहूँ, चावल, मक्का, ये सारे दानेदार खेती, और ये ईक का मतलब आपने देखा होगा पेड़ होता है, ठीक है, तो ईक अलग है। दोपहर 1 बजे से 12 बजे मध्य रात्रि तक दीवार घड़ी का दोलक कुल कितनी बार घंटा ध्वनि करेगा, आपसे पूछा जा रहा है। ये प्रश्न घड़ी से रिलेटेड है, और घड़ी वाले के लिए ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पर डले हुए हैं, तो आप लोग वो वीडियो देख लेंगे। और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। आंसर आपको दिख रहा है 78 है, लेकिन हमें पूरा सॉल्यूशन करके जो भी देगा उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। अगर आप इस PDF का पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं तो भी कमेंट करेंगे, साथ ही अगर ये PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ पर आप बातचीत कर ये ले पाएंगे PDF। अगला प्रश्न है, एक सामग्री का अंकित मूल्य 20 रुपये है, 5% की छूट है, तो बिक्री मूल्य क्या होगा। भाई अगर देखेंगे उस पर मार्किंग प्राइस आपका देखेंगे तो 20 रुपीज़ है, अगर हम उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं 5%, यानी डिस्काउंट 5% दे रहे हैं, ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या होगा, ये बात पूछी जा रही है। तो 20 × 5/100 यही होता है, तो 1 रुपये कम होगा, तो कितने का जाएगा 19 रुपये, ठीक है।
एक आदमी 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 1 घंटे में कितनी किलोमीटर दूरी तय करेगा? भाई आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर मीटर पर सेकंड से अगर आपको आवर में करना है तो 18.5 होता है, तो 5 से 5 कट जाएगा तो 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको पता है जब मीटर, देखो मीटर से अगर आवर में चेंज करना है तो 18/5, अगर आपको आवर से मीटर में चेंज करना है तो 5/18। ये फार्मूला आपको कई बार सर ने पढ़ाया है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि का खाकी बहन है, यानी कि ए इज बी सिस्टर, यानी कि बी की सिस्टर ए है। ठीक है, तो ए को अगर ऐसे करेंगे तो बी, वो मतलब ए बी अगर ऐसे है तो ए ये हो जाएगा। गा खाकी माँ है, यानी कि बी की जो मदर है वो कौन है? सी है, तो सी मदर हो जाएगी। डी सी का फादर है, डी सी का फादर है, यहाँ पर बॉक्स बना ले तो एक मिनट। और ई डी की मदर है, देन ए इज रिलेटेड टू डी। तो भाई पहले तो पूरा रिलेशन समझ लीजिए। तो क्या होगा, देखो ए और बी यानी कि दोनों ए की रिलेशन में आ रहे हैं, यानी कि बहन भाई हैं। इसकी जो माँ है वो सी है और सी की माँ डी है, डी के साथ बी का रिलेशन पूछा जा रहा है। तो देखिए ये नानी हो जाएगी, तो क्या होगा? नातिन। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? नातिन। ठीक है, निम्नलिखित समूह में से अन्य से भिन्न कौन है? तो चुनिए भाई, 8264, 164 का कोई वर्ग होता है? नहीं होता, बाकी सारे वर्ग हैं पूरे, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर रीजनिंग के 4 से 5 क्वेश्चन करके बताएं आप लोगों को। अगर आप लोग इसका पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं वीडियो का, तो जो कमेंट बॉक्स है उसके माध्यम से आप लोग मुझे बता देंगे, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।